Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS Agarwal Math का chapter 1 number system solve किया जा रहा है. तो आज हम introduction पढ़ेंगे और exercise 1A solve करेंगे. Numbers play an important role in mathematics. Mathematics में numbers का बहुत ज़्यादा important role होता है. हमने counting number पढ़े हैं primary classes में. यहाँ पे हम और आगे उनके बारे में पढ़ेंगे और लार्जर नंबर के बारे में आइडियाज लेंगे. तो देखिए टू टर्म आते हैं, नोटेशन और न्यूमरेशन क्या होता है. तो किसी भी नंबर को फिगर में लिखना, नंबर को फिगर में लिखना वो कहलाता है नोटेशन. और न्यूमरेशन क्या होता है, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन. किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना क्या कहलाता है, न्यूमरेशन कहलाता है. आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स नंबर क्या होता है, 10 होता है. तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम ये 1 और 0 ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 10 है. या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो जब फिगर में लिखा जाता है तो ये इसे हम कहते हैं नोटेशन, और जब इसे वर्ड्स में लिखते हैं तो इसे ही न्यूमरेशन कहा जाता है. अच्छा, यहां पर 10 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा आपने देखा है. बिल्कुल, रोमन नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा कि हम 10 को ऐसे लिखते हैं, और हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबर को इस तरह से लिखा जाता है. तो आइए थोड़ा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. रोमन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, तो इसमें 7 सिंबल का यूज किया जाता है, आई वी एक्स एल सी डी और एम. अब इनका मतलब क्या है, आई का मतलब क्या होता है, आई 1 के लिए लिखा जाता है, बी का यूज 5 के लिए किया जाता है, एक्स 10 रिप्रेजेंट करता है, एल 50, सी इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग 100, डी फॉर 500, एम फॉर 1000. इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम बड़े से बड़ा नंबर बनाते हैं. तो ये तो रोमन सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स हुए. इसके अलावा एक सिस्टम होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. तो ये जो सिंबल्स होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स यूज हो रहे हैं रोमन में, और जीरो के लिए कोई सिंबल इसमें नहीं होता है. इसमें नंबर बनाने का एक अलग रूल है जो कि हम रोमन सिस्टम से रिलेटेड कोई चैप्टर होगा आगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल इस चैप्टर में हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं. जिस तरह से रोमन सिस्टम में 7 सिंबल्स का यूज करते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 सिंबल्स का यूज किया जाता है. तो देख लेते हैं कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये 10 सिंबल्स का यूज करके हम हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स में कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हम एक्सप्रेस करते हैं इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके. ये जो सिंबल्स हैं इन्हें डिजिट्स कहते हैं, इन सिंबल्स को हम डिजिट्स या फिगर कहते हैं, और इससे हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में. अब कोई भी ग्रुप लेते हैं डिजिट्स का तो वो कहलाता है न्यूमरल. ग्रुप ऑफ डिजिट क्या डिनोट करता है, एक नंबर, इसे हम न्यूमरल भी कहते हैं. और किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करते हैं. तो प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करें तो
अब यहां पर हमारे पास दो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दोनों को ही हम एक बार रिवाइज करेंगे। हालांकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक बार इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज करते हैं। हर डिजिट की अलग अलग वैल्यू होती है प्लेस के अकॉर्डिंग। अब प्लेस हम मोस्ट राइट पे साइड पे चलते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं, तो पहला प्लेस जो होता है वो वंस प्लेस कहलाता है। उससे हायर वैल्यू का प्लेस जब हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो ये टेंस प्लेस कहलाता है। फिर उससे हायर प्लेस हंड्रेड प्लेस हुआ। फिर थाउजेंड आता है, तो शॉर्ट में हम TH लिख रहे हैं यहां पर थाउजेंड। इसके बाद नेक्स्ट हायर प्लेस आता है 10,000। अगर वन डिजिट का नंबर है तो उसे यहां पे रखा जाएगा, टू डिजिट का नंबर है तो वो राइट से टू डिजिट ऑक्यूपाई करेगा, टू प्लेसेस ऑक्यूपाई करेगा। इस तरह से नंबरों को प्लेस किया जाता है प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, उसके बाद लैक प्लेस आता है, नेक्स्ट होता है 10 लाख प्लेस, फिर करोड़, 10 करोड़ प्लेस, अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, और इस तरह से और भी बड़े नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस, इन तीनों को कौन से, इन तीनों को कंबाइंडली वंस पीरियड में रखा गया है, वंस पीरियड में थ्री प्लेसेस हो गए, वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस। थाउजेंड टेन थाउजेंड ये कौन से पीरियड में आते हैं, ये थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं। तो थाउजेंड्स पीरियड में टू डिजिट होंगी, एक थाउजेंड प्लेस के लिए, एक 10,000 प्लेस के लिए। नेक्स्ट पीरियड है लैक्स पीरियड, नेक्स्ट करोड़ पीरियड, उसके बाद अरब पीरियड। तो ये पीरियड्स हैं और उसके नीचे ये प्लेस लिखे हुए हैं। सपोज थ्री यहां पर है, तो यहां पर उसके राइट साइड में हम उसको, अगर यहां पे 20 है तो ये क्या होगा 300। यही थ्री अगर यहां पे होता, इस प्लेस पे होता, तो वो 3 करोड़ होता। तो डिजिट की वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। चार्ट में डिजिट कहां पर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जिस प्लेस पे होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। और हम देख के कैसे पहचानेंगे, अगर नोटेशन में लिखा हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए इसको भी। तो देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अगर नंबर नोटेशन के फॉर्म में लिखा है तो आप कॉमा देख के पता कर पाएंगे कि ये किस सिस्टम में इसको हमें रीड करना है। तो इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा थ्री डिजिट के पहले आएगा। तो देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे वंस टेंस हंड्रेड, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, उसके बाद टू डिजिट्स के पहले ही कॉमा प्लेस होता है। ये नंबर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ से राइट साइड से आते हैं, तो पहला कॉमा थ्री डिजिट के पहले, फिर टू डिजिट के पहले, फिर टू डिजिट के पहले एंड टू डिजिट के पहले, इस तरह से आएगा। सिर्फ एक ही जगह थ्री डिजिट के पहले कॉमा लगाया जाता है। और कॉमा क्या शो करता है, पीरियड। ये वंस पीरियड हुआ, फिर ये नेक्स्ट पीरियड कौन सा हुआ, थाउजेंड्स पीरियड, फिर लैक्स पीरियड, करोड़ पीरियड। इस तरह से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट उसका इस तरह से होता है। आइए अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जितने भी पीरियड हैं उन सभी में थ्री प्लेसेस होते हैं। तो पहला पीरियड होता है वंस,
जैसे कि इंडियन सिस्टम में होता है वैसे यहाँ पे भी वंस है। इसके बाद नेक्स्ट है थाउजेंड्स पीरियड, उसके बाद लैक नहीं आता इसमें, फिर मिलियन आता है। तो थाउजेंड्स के बाद मिलियंस पीरियड, अब प्लेस की बात करते हैं तो ये वंस प्लेस कहलाता है। राइट से स्टार्ट करें तो वंस, टेंस, हंड्रेड प्लेस, उसके बाद थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड और उसके बाद हंड्रेड थाउजेंड होता है, फिर लैक नहीं आता है, मिलियंस पीरियड है। यहाँ पे सब मिलियन में होगा, मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन, फिर बिलियन, टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियंस। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट बनता है। अब अगर फिगर में लिखा हुआ है, नोटेशन की बात करें कि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर लिखा है तो नोटेशन देख के हम कैसे पता करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में इसको रीड करना है, तो देख लीजिए ऐसे भी। ये कोई न्यूमरल है अगर, तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे होगा नोटेशन फॉर्म में, आप जानते हैं पीरियड के अकॉर्डिंग कॉमा लगता है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने हैं, थ्री प्लेसेस होते हैं, तो फिर ये सेकेंड पीरियड जो थाउजेंड्स पीरियड होता है वो उसमें भी थ्री प्लेसेस होते हैं, तो फिर थ्री डिजिट के लिए जगह छोड़ेंगे, फिर कॉमा। मिलियंस में भी इसी तरह से, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में थ्री डिजिट का हम गैप के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं, या थ्री डिजिट के पहले कॉमा प्लेस करते हैं, तो ये हमें याद रखना है। थ्री डिजिट पूरी हो जाती है उसके बाद ही कॉमा लगता है, तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये नोटेशन इंटरनेशनल सिस्टम का है या इंडियन सिस्टम में है। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा रिमेंस कांस्टेंट रहती है, किसी भी प्लेस में चला जाए वो डिजिट प्लेस वैल्यू चार्ट में वो कांस्टेंट रहती है। जैसे फाइव की बात करें तो 5000 प्लेस में है, लेकिन फेस वैल्यू क्या होगी फाइव की, वो फाइव ही रहेगी। फोर की फेस वैल्यू क्या होगी, फोर ही रहेगी। अब फाइव की अगर कहते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो फाइव अगर वंस प्लेस में होता तो प्लेस वैल्यू फाइव ही रहती है। टेंस में जाता तो 50 हो जाती, थ्री ये 100 प्लेस में जाता फाइव, तो फाइव की वैल्यू 500 हो जाती। फाइव अभी कौन से प्लेस में है, थाउजेंड प्लेस में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, फाइव थाउजेंड्स, मतलब फाइव इंटू थाउजेंड मतलब फाइव थाउजेंड। इस तरह से सेम डिजिट की बात कर रहे हैं फाइव, तो फेस वैल्यू फाइव है और प्लेस वैल्यू ये थाउजेंड प्लेस में, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, फाइव थाउजेंड। इस तरह से कौन सा समझना है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, ये आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको डिजिट्स या फिगर में लिखना है, तो आइए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 9018, या तो इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में आप ये रख के भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे क्योंकि अब हम लोग हायर क्लासेस में हैं। तो देखिए 9018, तो ये 9 हुआ 1000 के लिए। अब इसके राइट में कौन सा प्लेस आएगा, 100 प्लेस। 100 प्लेस में कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं, 9000 के बाद सीधे 18 है, तो 100 प्लेस में आप 0 लिखिए और 18 मतलब 1 8, तो टेंथ प्लेस में 1 और यहाँ पे 8, इस तरह से हम लिखेंगे। सेकंड में दिया 54000, तो हम लिखते हैं 54000, फिर कॉमा लगा देते हैं, इसके बाद क्या होगा, 100 प्लेस आएगा, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है, 50073, ये थाउजेंड पीरियड हुआ, तो टू डिजिट हुआ यहाँ पर। और इसके राइट में कौन सा पीरियड होता है, वंस पीरियड, उसे थ्री डिजिट में लिखा जाता है, तो यहाँ सिर्फ 73 है, तो 73 को हम कैसे लिखेंगे, 073, क्योंकि 100 प्लेस के बारे में कुछ कहा नहीं है।
तो 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ जीरो रखते हैं, क्योंकि वंस पीरियड जो होगा वो 3 डिजिट का होगा, तो 073 इस तरह से लिखेंगे। थर्ड में दिया 3,02,506, तो ये 3 लाख हुआ कॉमा। इसके बाद जो पीरियड होता है वो 1000 पीरियड होता है, 2 डिजिट चाहिए इसमें, तो इसमें लिखा है 2000, सिर्फ 2000 लिखा है, तो 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 2000 को, 02। इसके बाद वंस पीरियड होता है जिसमें कि 3 डिजिट होती हैं, 3 प्लेसेस होते हैं, तो 506, तो 506। फोर्थ में दिया हुआ है 20 लाख, तो 20 लाख मतलब ये 20 लिखा हमने, इसके बाद 1000 पीरियड होगा 2 डिजिट का, तो 20 लाख के बाद लिखा 10,000, तो ये 10,000 हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड है ये राइट साइड में, वो क्या होता है वंस पीरियड 3 डिजिट का, तो इसके बाद 10,000 के बाद सिर्फ 8 लिखा है, तो 3 डिजिट में 8 को कैसे लिखेंगे, 008। फिफ्थ में दिया 6,05,57, तो 6 करोड़, राइट में लैक प्लेस है 10 लाख और लैक प्लेस पीरियड है लैक, तो लैक्स पीरियड 2 डिजिट का होता है, उसमें 2 प्लेसेस होते हैं, तो 6 करोड़ के बाद 5 लाख कहा गया है, तो लैक्स पीरियड को कैसे लिखेंगे 2 डिजिट में 5 को, 05। अब 1000 पीरियड आएगा, तो 1000 पीरियड के बारे में तो कुछ लिखा नहीं इसमें, तो उसको 00 लिखिए। इसके बाद वंस पीरियड 3 डिजिट का होता है, तो 57 लिखा है, तो 3 डिजिट में 57 कैसे लिखेंगे, 057। सिक्स में दिया है 2,02,202, तो 2 करोड़। इसके बाद राइट में कौन सा पीरियड होता है, लैक्स पीरियड 2 डिजिट का होगा, तो 2 करोड़ के बाद 2 लाख लिखा है, तो 2 लाख को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 02। अब 2000, तो 2 है यहाँ पर, 1000 पीरियड है 2 डिजिट में होना चाहिए, तो 2 को हम लिखते हैं 02। फिर 202, इसके बाद वंस पीरियड होता है 3 प्लेसेस होते हैं उसमें, तो 202 को लिखेंगे 202। सेवन्थ में लिखा हुआ है 12,12,12,000, तो 12 करोड़, तो ये 12 हो गया करोड़ पीरियड में। फिर 12 लाख, तो लाख पीरियड में 12 हमने इस तरह से लिख दिया। इसके बाद थाउजेंड पीरियड आता है, तो इसमें क्या लिखा है 12,000, तो ये 12 लिख दिया। फिर उसके बाद वंस पीरियड होता है उसमें 3 प्लेसेस होते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ 12 दिया है, तो 3 प्लेसेस में 12 को कैसे लिखेंगे, 012। क्वेश्चन 1 के लास्ट में दिया हुआ है 8th, 15,50,20,068, तो 15 करोड़। नेक्स्ट पीरियड कौन सा है, लैक्स पीरियड, तो उसमें क्या लिखा है 50 लाख, तो ये 2 प्लेसेस का होता है, तो 50 हमने इस तरह से लिख दिया। फिर 1000 पीरियड होता है, तो इसमें लिखा है 20,000, ठीक है 20 लिख दिया यहाँ पर। और इसके बाद वंस पीरियड होता है 3 प्लेसेस होते हैं उसमें, तो इसमें लिखा है 68, तो 3 प्लेसेस में 68 कैसे लिखेंगे, 068। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। यहाँ पे न्यूमरल दिया हुआ है, इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो फर्स्ट में दिया है 63005, ये कॉमा लगा है, इसके पहले ये कौन सा प्लेस होगा, ये पीरियड है 1000 पीरियड, तो 63 दोनों ही 1000 पीरियड में होंगे, तो इनको लिखेंगे हम 63,000 और यहां सिर्फ 5 लिखा है, वंस पीरियड में सिर्फ 5 लिखा है,
जो कि वंस प्लेस की डिजिट है, तो एज इट इज 5 लिख दिया जाएगा, 63,005। सेकेंड में वंस टेंस 100,000, 10,000 लैक, 7 लैक, थाउजेंड पीरियड में सिर्फ 7 है तो 7,000, और वंस पीरियड में सिर्फ 75 लिखा तो यहां लिखेंगे 75। वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक पीरियड, तो लैक पीरियड में लिखा है 34, तो 34 लैक, ये थाउजेंड पीरियड में लिखा है 20, तो 20,000, और वंस पीरियड में लिखा है 19, तो यहां पे सिर्फ 19 लिखना होगा। वंस, थाउजेंड, लैक, करोड़ पीरियड तक है, तो करोड़ पीरियड में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 3 करोड़। लैक पीरियड में सिर्फ 5 लिखा है तो 5 लैक, थाउजेंड पीरियड में सिर्फ 9 लिखा है, 09 मतलब 9,000, और वंस पीरियड में 12 है तो 12 लिखेंगे। फाइव करोड़, 10 लाख, 3,000, 1 स्पीड में क्या लिखा, 604, तो यहां लिखेंगे 604। वंस, थाउजेंड, लैक, करोड़ पीरियड्स, तो करोड़ में क्या लिखा, सिर्फ 6, तो यहां लिखेंगे 6 करोड़। लैक पीरियड में 18 लिखा है तो लिखेंगे 18 लैक। थाउजेंड पीरियड में 05 यानी सिर्फ 5 है तो 5,000, और 1 स्पीड में सिर्फ 008 यानी 8। वंस, थाउजेंड, लैक, करोड़ पीरियड तक गया, करोड़ पीरियड में 19 लिखा है तो 19 करोड़, लैक पीरियड में सिर्फ 9 लिखा है तो 9 लैक, थाउजेंड पीरियड में भी 9 लिखा है तो 9,000, वंस पीरियड में 900 लिखा है तो हम 900 लिखेंगे, 900। वंस, थाउजेंड, लैक, करोड़, करोड़ पीरियड में 6 लिखा हुआ है तो 6 करोड़, लैक पीरियड में 15 लिखा है तो 15 लैक, थाउजेंड में 30 लिखा हुआ है तो 30,000, 30,000, और 1 स्पीड में 807 है तो इसे एज इट इज 807 लिख देते हैं।
8, 100, 7. 6,60,60,60. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो जो भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग प्लस करके उसको लिखना है। एक्सपांडेड फॉर्म में हम यही करते हैं कि हर डिजिट की जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, वन 10,000 प्लेस में इसलिए इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 10,000 फिर प्लस लिखेंगे। 5 कौन से प्लेस में है, 5 जो है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेस में है तो 5 में 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 700 प्लेस में है तो 7 से 100 का मल्टीप्लाई। प्लस 6 टेंस प्लेस में तो 6 में 10 का मल्टीप्लाई। और 8 वंस प्लेस में है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में होता है। इसको अब आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधे यहाँ पर 10,000, 5,000 लिखना चाहें तो आप इसको आगे लिख सकते हैं। ये 10,000, 5 में 1,000 का मल्टीप्लाई किया तो 5,000, प्लस 7 में मल्टीप्लाई किया 100 का तो 700, 6 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 60, और 8 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 8। तरीका ये, जैसे 1 है तो उसके बाद कितनी डिजिट है राइट में, 1, 2, 3, 4, तो उसकी जगह 1 के बाद 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 है तो 1, 2, 3, 1 के बाद 3 जीरो यानी 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 के बाद क्या है, 2 डिजिट हैं तो 1 के साथ 2 जीरो यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 के बाद कोई डिजिट नहीं तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, तो 3 लैक प्लेस में इसलिए किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 लैक से। कितने जीरो 1 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस जीरो। एक्सपांडेड फॉर्म में जीरो की को लिखते नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो ही होती है, वो किसी भी प्लेस में रखा जाए उसको, तो इसलिए जीरो को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अब 8 को देखते हैं, 8,000 प्लेस में है तो 8 × 1,000 प्लस 9 × 100, 2 tens प्लेस में तो 2 × 10 प्लस 7 × 1। और इसको आगे सॉल्व करना चाहे, इस तरह लिखना चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी लिखेंगे तो भी सफिशियंट है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक 10 लैक, 2 10 लैक प्लेस में तो 2 से 10 लैक का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के बाद कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लैक प्लेस में तो 4 से 1 लैक का मल्टीप्लाई, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस जीरो को तो एक्सपांडेड फॉर्म में हम लिखते नहीं तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। 5 में 1,000 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5,000 प्लेस पे, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू होगी 5,000 तो उसमें 1,000 का मल्टीप्लाई करना होगा। 6 100 प्लेस में इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। 0 किसी प्लेस में होगा तो उसकी वैल्यू 0 है इसलिए उसको लिखते नहीं हैं। और 9 वंस प्लेस में 9 × 1, ये फोर्थ को हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक 10 लैक करोड़, 5 करोड़ प्लेस में था इसलिए करोड़ से मल्टीप्लाई हुआ। 3 10 लैक प्लेस पे तो 10 लैक से मल्टीप्लाई किया गया। 6 लैक प्लेस पे तो लैक से मल्टीप्लाई। 1 10,000 प्लेस पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई। 8,000 प्लेस पे तो 1,000 से मल्टीप्लाई। 1 10 100, 400 प्लेस में तो 100 से मल्टीप्लाई। 9 10 प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई। और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और सभी के बीच में प्लस लगाते हैं। यही एक्सपांडेड फॉर्म में किया जाता है। हर डिजिट की जो भी प्लेस वैल्यू है उसके सम के फॉर्म में उस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक 10 लैक करोड़, 6 करोड़ प्लेस पे इसलिए उससे
सिक्स एक करोड़ का मल्टीप्लाई होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 0, 10 लाख प्लेस पे है तो 0 को एक्सप्रेस लिखते करते नहीं हम लोग, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 लाख प्लेस में है तो 6 से आपको लाख का मल्टीप्लाई कराना होगा, प्लस 10,000 प्लेस पे 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6,000 प्लेस पे है तो आप 6 से 1,000 का मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर 100 प्लेस पे 0 है, 10 प्लेस पे 0 है तो नॉट नीड टू एक्सप्रेस इट 6, जस्ट मल्टीप्लाई 6 बाय 1। इस तरह से हमने इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लिया है, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो किसी भी प्लेस पर रहेगा उसकी वैल्यू 0 रहती है, इसलिए उसे एक्सप्रेस नहीं करते इस एक्सपांडेड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट दिया हुआ है जिसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, तो 9 करोड़ प्लेस में है तो 9 से करोड़ का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 करोड़ का, 1, 2, 3, 1, 10 लाख प्लेस पे है तो 1 से 10 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 लाख प्लेस पे तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 10,000 प्लेस पे 1 है तो 1 से 10,000 का मल्टीप्लाई, प्लस 0,000 प्लेस पे तो 0 को तो एक्सप्रेस करेंगे नहीं क्योंकि 0 किसी प्लेस पे रहता है उसकी वैल्यू 0 ही होती है, 500 प्लेस पे है तो 5 से 100 का मल्टीप्लाई, प्लस 1 10th प्लेस पे है तो 1 का 10 से मल्टीप्लाई, और 0 को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, 0 किसी प्लेस पे रहेगा तो 0 ही रहेगा। अब अगर इसके बाद आप लिखना चाहें तो ये मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 9 और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 प्लस 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 का मल्टीप्लाई 10,000 में तो 10,000, 500 प्लस 10। इस तरह से भी आप इसके बाद अगर ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।